हेलो फ्रेंड्स, आ गया है पार्ट एट। तो आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो, क्योंकि इसमें हम बोर्ड एग्जाम TGT PGT नीट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं, और एग्जाम में पॉपुलेशन से यूनिट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्राइज, इफ अ 4 इंडिविजुअल डाइट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, वट इज़ द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन फॉर दैट पीरियड। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.1, ऑप्शन सी 0.01, ऑप्शन डी 0.04। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 0.1। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन वन ईयर अ पॉपुलेशन ऑफ 500 विटनेस 55 बर्थ एंड 5 डेथ, वट इज़ द पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव रेट ड्यूरिंग वन ईयर। ऑप्शन ए 0.01 पर ईयर, ऑप्शन बी 0.05 पर ईयर, ऑप्शन सी 0.1 पर ईयर एंड ऑप्शन डी 50 पर ईयर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछे गए, इसलिए इसको डाला गया है। तो चलिए देख बताए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द स्टडी ऑफ पेडोलॉजी, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए लोकोमोशन ऑफ एनिमल, ऑप्शन बी रॉक्स, ऑप्शन सी सॉयल एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी सॉयल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वट इज द सॉयल मेड ऑफ? ऑप्शन ए मिनरल प्लस वाटर प्लस एयर, ऑप्शन बी मिनरल ऑर्गेनिक मैटर वाटर, ऑप्शन सी मिनरल ऑर्गेनिक मैटर एयर वाटर एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनिक मैटर प्लस वाटर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपको पता ही होगा कि सॉइल किससे मिलकर बनी है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मिनरल ऑर्गेनिक मैटर एयर एंड वाटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ प्लांट? ऑप्शन ए हैकल, ऑप्शन बी ओडम, ऑप्शन सी वार्मिंग एंड ऑप्शन डी ड्यूडोजियन। तो बहुत लोगों को ओडल और हैकल में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ओडम तो इसके सही है कि हैकल। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हैकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वट आर बायोटिक फैक्टर्स? ऑप्शन ए केमिकल फैक्टर्स ऑफ सॉयल दैट अफेक्ट लाइफ, ऑप्शन बी फिजिकल फैक्टर ऑफ सॉयल दैट अफेक्ट लाइफ, ऑप्शन सी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लाइफ। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर इसका ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको डाला गया है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वट डज द एज ऑफ पिरामिड विथ अ ब्रॉड बेस इंडिकेट? ऑप्शन ए हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, ऑप्शन सी हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल एंड ऑप्शन डी लो परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल। तो बताइए दोस्तों, पिरामिड का बेस चौड़ा कब होगा? जब उसमें यंग इंडिविजुअल का नंबर ज़्यादा होगा, तो हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछे गए हैं। फार्मा फ्रोस्ट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए टैगा, ऑप्शन बी टेम्परेट ग्रासलैंड, ऑप्शन सी टुंडा एंड ऑप्शन डी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, नॉलेजबल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी सीरीज के लिए वीडियो से बने रहिए। चलिए देखते हैं इसका शायद राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी टुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वट स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन वाई ग्रासेस प्रीडोमिनेंट सवानास? ऑप्शन ए देर आर फ्यू नेटिव हर्बीवोर्स इन दिस बायोम, ऑप्शन बी ग्रासेस ग्रो वेल इन फाइन सैंडी सॉइल, ऑप्शन सी द एबव ग्राउंड पोर्शन ऑफ ग्रासेस प्लांट डाइट ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ऑप्शन डी द डीप रूट ऑफ ग्रासेस कैन सर्वाइव मेनी मंथ ऑफ ड्रॉट। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देर आर डैश सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर इन डेजर्ट रीजन? ऑप्शन ए लेस देन 5, ऑप्शन बी लेस देन 15, ऑप्शन सी लेस देन 25 एंड ऑप्शन डी ओवर 50। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें पता है कि डेजर्ट एरिया में क्या होता है,
पानी कम होता है, बरसात कम होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, लेस देन 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन को लिए आप वीडियो से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें पूरी आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी की जा रही है, KVS PGT TGT नीट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।